लगातार ये वो रखी गई है और यहाँ पे नायब तहसीलदार तहसीलदार और रजौरी एस एच ओ डी एस पी हेडक्वार्टर तमाम टीम जो है यहाँ पे है। यहाँ पे देखने वाली बात है कि यहाँ लड़के को जो है इसका व्यक्ति का नाम सदाम हुसैन शाह है। ये फलनी बुद्धल का रहने वाला है। हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी तो उसी पे जो हमने इसको यहाँ पर चलते हुए इंटरसेप्ट किया और 23 छलिए हैं जिनका टोटल वेट जो है 430 ग्राम है वो इससे कम है। क्या ये इससे पहले भी इन्वॉल्व था? इसके साथ एक दो मेंबर्स और भी हैं, हम उन पर भी काम कर रहे हैं। होपफुली हमें और रिकवरीज जो हैं वो होंगी। ये मतलब जैसे कि हमें एसएसपी साहब और डीएम साहब की हदायत है कि बैकवर्ड लिंक फॉरवर्ड लिंक वो निकालना है, तो बैकवर्ड लिंक तो आया कि कश्मीर से लाई गई, अब आगे किस किस को देना है दैट्स मैटर ऑफ। सर लगातार मुहिम जो है ड्रग्स पे शुरू हो चुकी है जम्मू कश्मीर पुलिस की, कितनी बड़ी कामयाबी है? ये भी बहुत बड़ी कामयाबी थी। ऑलमोस्ट आधा किलो चर्स है ये, तो इसके जो आगे जो है अगला जो है वो फोर एंड जो है वो हमने ढूंढना है, उस पर काम। सुबह आज सुबह से हम इसकी ट्रैकिंग भी थे तो इसको अभी हमने पकड़ा है। इससे 23 छलियाँ मिली हैं जिनका वेट लगभग 500 ग्राम है, लगभग आधा किलो। तो पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ जारी रहेगी। सर आपके चारे संभालने के बाद काफ़ी सुधार आया है? इसमें पहले भी तो पुलिस काम कर रही थी, तो अभी इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, अभी हम आगे काम करेंगे इसके। क्या पूरे जिला भर में इस तरह की मुहिम आगे जारी रहेगी? जारी, बिल्कुल जारी। सर सिविल सोसाइटी से क्या अपील रहेगी क्योंकि उनका अहम रोल बनता है? सिविल सोसाइटी हमें अच्छा सपोर्ट कर रही है इनकी, और हम सिविल सोसाइटी से ये भी आग्रह करते हैं कि वो अगर उनको किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो किसी ना किसी तरीके से हमारे तक पहुंचाए और हम उनको सीक्रेट उनकी इन्फॉर्मेशन को सीक्रेट रखेंगे ताकि उनकी आइडेंटिटी किसी को शो ना हो।